अतीत से निकलकर अब मैं वर्तमान की कला देखने राज्य सरकार से पुरस्कृत एक शानदार कलाकार श्याम विश्वकर्मा से मिलने जा रहा हूं। गंगा की मिट्टी से टेराकोटा की खूबसूरत प्रतिमाएं विभिन्न आकार कैसे लेती हैं, ये देखना है तो यहां ही आना चाहिए। जीव, पानी और जंगल की कहानियां दर्शाती ट्राइबल आर्ट को आगे बढ़ाना और उसे लोगों तक पहुंचाना इस कलाकार का लक्ष्य है। इतना हुनर है आपके हाथों में सर, ये सिलसिला कब शुरू हुआ और कैसे शुरू हुआ? बचपन से मैं इस जिले में, गंगा है, गंगा में मैं नहाने जाता था। उस क्रम में मैं मिट्टी देखता था, वो मिट्टी को लाता था घर और वो उसमें कुछ अनगढ़ कुछ खिलौने वगैरह मैंने तैयार करते थे। साइन बोर्ड, ट्रक के नंबर प्लेट्स वगैरह लिखने लगा। लोग बोलते थे कि अच्छा लिखते हो। मैं सोचा था यही आर्ट है। एक अच्छे IAS ने हमें कहा कि आप किसी आर्ट कॉलेज में दाखिला लो, आपका हाथ बहुत अच्छा है। मैंने पटना फाइन आर्ट में जाके दलिखा 91 में लिया और वहाँ से पढ़ने के बाद पता चला कि आर्ट वो अपना होता है, इमेजिनेशन होता है, आप क्या कर सकते, क्रिएट क्या कर सकते थे। तो गंगा के मिट्टी से मैंने काम करना शुरू किया और ये ट्राइबल एरिया है, आदिवासी का जनजीवन मैंने बचपन से देखा, उन सब पे मैंने काम करना शुरू किया, ट्राइबल आर्ट पे। और टेराकोटा जो गंगा के मिट्टी से बन के तैयार होता है सर, उस पर मैंने काम किया। पहले पेंटिंग कैनवास पर हुआ करता था, वो मूर्तियाँ जब दीवार पर लटकी, लटके के फ्रेम में मैंने उसको बनाया तो लोगों ने काफ़ी पसंद किया। जैसे डिफरेंट, बहुत अलग है। इनफैक्ट बिहार और झारखंड उसके बाद अलग हो गया, तो ऑफिशियल यहाँ पे कोई आर्ट करने वाला इस तरह का कोई नहीं था सर। उसके बाद भारत सरकार ने मुझे स्कॉलरशिप दिया टेराकोटा में। हमारे यहाँ पर रॉ मटेरियल काफ़ियात मात्रा में, जैसे कि चाइना के लिए हमारे राजमहल में, गंगा की मिट्टी तो गंगा माँ में ही है, समाहित है। तो अगर ये कहें कि इस कला का जो ओरिजिन है, इस कला की शुरुआत है, वो आपसे हुई? टेराकोटा म्यूरल का शुरुआत मैंने किया है। प्रधानमंत्री के हाथों दो तीन पेंटिंग हमारी चली गई है। ये देखिए पीछे बिरसा मुंडा खड़े, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर आपने बनाया, आपने जीवित कर दिया। एक्चुअली कोशिश मैंने कल्पना से किया या कल्पना से किया? मैं फ्रीडम फाइटर जो हमारे झारखंड के हैं बेसिकली, उन सबको एक मंच दिया गया है, उस मंच पे मैं भी काम कर रहा हूँ, जैसे टेराकोटा आउटडोर और फाइबर इनडोर, ताकि वो वर्षों तक ये जीवित रह सके। ये आउटडोर है, इनडोर है? ये इनडोर है, ये सब आउटडोर है। अच्छा। उसको सीमेंट से हम लोग टेराकोटा को वॉल पे पेस्ट कर देते हैं, वो आउटडोर है। तो एक ही टेराकोटा को आपने अलग अलग तरीके से इस्तेमाल किया। तो ये जो पीछे गौतम बुद्ध बैठ के मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं, ये बनाने में कितना समय लगा होगा? ये बनाने में कम से कम 15 से 16 दिन। बहुत ही खूबसूरत है ये, बहुत बहुत बारीकी वाला काम भी लगता है, लेकिन ये इस तरह के फोल्ड कैसे देते हैं? वो फोल्ड तो सब सर हाथ से ही। और मैं बेसिकली यही कहूँगा, लोग कला के क्षेत्र में जब भी आए तो ड्राइंग जरूर करें, ड्राइंग के बिना कुछ नहीं हो सकता है। जैसे बच्चे अगर पेंसिल पकड़ते हैं तो उसको पेंसिल पकड़ने देना चाहिए, वो कॉपी गंदा करे तो ही आगे जाएगा। मैं बचपन में बहुत मार खाया हूँ बेसिकली, टीचर पढ़ा रहे, मैं कॉपी में कुछ कुछ बनाते रहता था, तो मैं बड़ी मार खाया इस सब चीज़ में, लेकिन आगे वो काम आ गया। ऐसा ही होता है, हर चीज़ की शुरुआत अच्छी होती है। जब हम भी कभी फिल्में देखने के लिए जाया करते थे या कुछ और करते थे तो डांट ही पड़ती थी घर से। लोग काम करके आगे बढ़ सकते हैं, आगे काम यहाँ पर करें, लेकिन उसी गूंज बड़े शहरों में, बड़े शहरों में जाने वहाँ। जी, बहुत आर्टिस्ट किस्म के इंसान है। और क्या क्या करते हैं आप, और भी कोई शौक है आपके? कुछ कुछ मैं सीखता हूँ संगीत के क्षेत्र में भी। संगीत के क्षेत्र में? जी जी बिल्कुल। और एक्टिंग तो नहीं करते ना? कॉम्पिटिशन मत बनिएगा मेरा प्लीज, ये मेरी विधा में तो नहीं है। तो मैं आपके सारे हुनर देखना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मैं ये देखूँ कि आप इस खाली शीट के ऊपर, इस कैनवस के ऊपर आप क्या बनाते हैं। आदिवासी महिला सांझ होते लकड़ियों के गट्ठर लेके घर चली। उनका जो पारंपरिक ड्रेस है, ऐसे नहीं बनते कलाकार। बहुत सुंदर, बस अब इतना आपको करना है कि यहाँ पे अपने हस्ताक्षर देने मैं अपने घर की शोभा बनाऊंगा। बहुत बहुत सुंदर। मैं चाहता हूँ कि ये हस्ताक्षर जो है इनकी कीमत दुगनी तिगनी चौगनी हो जो है।